हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये खूबसूरत सा फ्लावर और ये कैसे ये पत्ती बनाई जाती है ये वीडियो लेकर आए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ऐसा फ्लावर ड्रॉ कर लिया है जिसमें पत्ती जो है ये कटाव वाली होती है, और अपने मन के हिसाब से जैसा आपको जहाँ डंडी डालनी है वैसी डंडी डाल दी है। फिर हमने सबसे पहले ये जो पत्ती का ये बीच की लाइन हमने खींची हुई है, इसी पॉइंट पे से अपनी सुई को ऊपर निकाल लिया है। फिर यहाँ से हमने अपनी सुई को इंसर्ट किया हुआ है और जस्ट इसके सामने जहाँ पत्ती का दूसरा छोर है ये, इस जगह से अपनी सुई को निकाला है। हमने इसके लिए 3 प्लाई की ऊन यूज़ की है। आप चाहे तो कोई भी मोटा थ्रेड या 6 स्ट्रैंड अगर आप ले रहे हैं तो पूरे 6 स्ट्रैंड ले सकते हैं। यहाँ से हमने ये सुई निकाली थी, यहाँ पे हमने अपनी सुई इंसर्ट कर दी और अब यहाँ निकाली। फिर इसी सेम छेद में हमने अपनी सुई को डाला और थोड़ा सा आगे, लगभग इतना आगे देखिए, अपनी सुई को हमने फिर से निकाल दिया। फिर इस पॉइंट पे से हमने एक बार यहाँ से अपनी सुई को इंसर्ट किया और इसके जस्ट सीध में ये देखिए, यहाँ से हमने अपनी सुई को वापस ले लिया। फिर हमने सेम जहाँ से इस छेद से लिया था उसी सेट में इंसर्ट करते हुए थोड़ा सा और आगे से, ये देखिए थोड़ा सा आगे से हमने फिर से अपनी सुई को निकाला है। फिर यहाँ जो टॉप है इस कटाव का, इस टॉप पे लेके गए और दूसरी वाली साइड से भी टॉप पे लेके गए, ये देखिए फिर सेम छेद से लेके गए, थोड़ा आगे से यहाँ निकाला और फिर अब ये यहाँ पर जहाँ पे इनके कटाव का बॉटम मतलब नीचे वाली स्थिति है वहाँ से लेके सामने वाले तक निकाल लिया। इस तरह से हमने हर ये नीचे वाले कटाव में 3 बार लिया, 1 2 3 यहाँ पे पहुँच गए। फिर थोड़ा सा हमने अपनी सुई को कपड़े में से ऐसे लिया, निकाल लिया, फिर थोड़ा सा यहाँ से लिया। इस वाले हिस्से में सिर्फ 2 टाइम्स हम लोग स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे, 1, फिर से यहीं से लिया, थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए सुई ऊपर निकाली, ये फिर थोड़ा ऊपर यहाँ से गए और फिर यहाँ से निकाली, ये 2 टाइम्स हो गया है। अब हम जो इसका नीचे वाला हिस्सा है कटाव का, वहाँ जाएंगे ये, फिर यहाँ पर और यहाँ पर ये, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे से लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे 3 टाइम्स। देखिए यहाँ से लिया और जस्ट उसके सामने से लिया, फिर सेम छेद में इंसर्ट किया, थोड़ा सा आगे गए, फिर थोड़ा आगे गए यहाँ से और यहाँ से इंसर्ट करके निकाला, ये देखिए, फिर उसी वाले होल पर गए, थोड़ा सा आगे से फिर निकाला। अब यहाँ देखने की वाली बात है, अब ये वाला टिप बचा हुआ है, हम इस टिप के पास में से अपनी सुई को इंसर्ट करेंगे और उसी एकदम थोड़ा सा कपड़ा लेके उसी जगह से फिर से निकाल लेंगे। फिर हम लोगों ने फाइनली यहाँ से अपनी सुई को नीचे डाल दी। इस तरह से हमारी इस पत्ती के लिए एक जाल सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमारी 2 ऊल हैं, इस जगह से हम लोग सुई ऊपर से निकालें, ये देखिए हमने नीचे से लेकर सुई यहाँ से, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हमने अपनी सुई को ऊपर लेना है, देखिए ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये यहाँ से हमने अपनी सुई ले लिया,
फिर अब हम एक बार इस साइड जाएंगे, एक बार वापस आएंगे और एक बार फिर से, मीन्स थ्री टाइम्स हम लोग इसमें बिनाई करेंगे। बिनाई करने के लिए क्या करना है, ये वाला फर्स्ट स्ट्रैंड हम लोग छोड़ देंगे, ये और ये दो स्ट्रैंड को अपनी सुई पे लेंगे। फिर ये जो दो स्ट्रैंड हमने लिए थे इसमें लास्ट वाले स्ट्रैंड में फिर से डालेंगे और उसके अगला वाला यून लेंगे, ये देखिए, फिर ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे साथ में, ये देखिए, ये दोनों लेंगे। इस तरह लगातार दो दो करके लेते जाएंगे और फिर लास्ट वाला, ये देखिए, सेम यही पैटर्न रहेगा। जैसे कि ये कभी कभी कमल कढ़ाई में भी लोग ऐसा यूज़ करते हैं स्टाइल, ये देखिए, हम लोग इसी तरह से इसे बनाते जाएंगे। लास्ट तक पहुंच गए। अब जब लास्ट तक एक बार पहुंच जाएंगे फिर हम लोग ये वाले थ्रेड को छोड़ के ये और ये दो थ्रेड हैं इनको फिर से लेंगे, फिर ये और हमारा ये वाला, देखिए ये, फिर ये छोटा वाला और ये वाला। इस तरह लगातार हम लोग जब करेंगे थ्री टाइम्स करना है। ये सेकेंड टाइम चल रहा है, एक बार हम लोग गए हैं और अब हम लोग लौट रहे हैं और फिर हम लोग एक बार वापस जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपलिस्ट स्टिच है पर देखने में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनता है इससे। आप इसे आसानी से बहुत ही बढ़िया तरह से बना सकते हैं, कोई डाउट है ही नहीं कि इसमें कठिनाई होती है। ये देखिए, ये हो गया, दो बार हमने कर लिया है। लास्ट बार फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर ये सेम वही प्रोसेस करते जाएंगे कि दो अपनी सुई पे लेंगे और उसमें से जो लास्ट वाला है फिर से उसको और आगे का एक लेते हुए बढ़ जाएंगे। ये थर्ड टाइम हम लोग वापस आ रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही सुंदर फ्लावर बनने वाला है। और देखिए कितना इजी वे है इसे बनाने का, बस ये याद रखना है कि आपको फिर से पीछे वाले का एक ज़रूर लेना है। ये देखिए, हम लोग यहाँ के एंड पे पहुँच गए, ये फिर एक बार अपने सारे इसको थोड़ा इधर कर दिया जो बिना हुआ ऐसा है, ये देखिए, एक साइड की अब बत्ती बन गई है। जब एक साइड की ये पत्ती बन जाती है फिर हम लोग, ये देखिए यहाँ एंड पॉइंट पे ये लास्ट वाला ये दिख रहा है, हम लोग इसको फिर से, यू देखिए, ये है हमारा लास्ट वाला, इसको फिर से ऐसे करते हुए ऐसे सुई इंसर्ट कर देते हैं। एक साइड का तैयार है, अब इस साइड से भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ से हम अपनी सुई निकालेंगे, हर बार हमें सुई यहाँ से ही निकालनी पड़ेगी। ये देखिए, हमने ये सुई यहाँ से निकाल ली है, ये खींच ली, फिर ये और ये दो लिए, फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये वाला और उसका अगला, फिर ये वाला और उसका अगला, जैसा सेम उस साइड किया था से वैसा ही इस साइड भी करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी पूरी बुनाई हो चुकी है। हम ये आउटलाइन अप करने जा रहे हैं। आउटलाइन करने के लिए जहाँ पे भी पत्ती का ये दूसरा वाला, जैसे हमने तो पहले बीच से निकाला था फिर पत्ती का वो हिस्सा होगा वहाँ से हम लोग इसे ले लेंगे। डबल ही धागा यहाँ पे भी यूज़ करेंगे
और सिंपल हमारी जो स्टेम स्टिच है उससे हम इसे आउटलाइन कर देंगे। यहाँ से ही पास पास से लेते चलेंगे। थोड़ा सा धागा हम ये देखिए एकदम पास से करके इसे आउटलाइन करेंगे। ये देखिए आउटलाइन हो रही है। इस पोर्शन में आके यहाँ पर देखिए आपको नीचे तक लेके जाना है। तो ये नीचे वाले पॉइंट तक हम लोग लेके जाएंगे और थोड़ा सा कपड़ा एकदम ले लेंगे। ये देखिए हमने इतना सा ले लिया और हमारी ये स्टेम स्टिच बना ली। फिर यहाँ तक लाएंगे और थोड़ा सा बड़ा वो लेते हुए पूरे की आउटलाइन तो स्टेम से ही बनेगी। ये देखिए अब हमारी ये पत्ती रेडी है। इसके बाद हम आपको ये कैसे लिए लीफ बनी है ये बताने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने सुई में ग्रीन थ्रेड डालकर, ये देखिए सुई में ग्रीन थ्रेड डाल के रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पत्ती से थोड़ी ऊंचाई पर लगभग यहाँ पर अपनी सुई को बाहर निकालेंगे कपड़े में से। ये देखिए ये हमारी सुई आ गई ऊपर। फिर हम लोग इसकी कढ़ाई करेंगे। ये देखिए पत्ती बनाने के लिए हमने अपनी सुई को यहाँ से निकाला है और हमने जो पहले से यहाँ पे एक डॉट सा बना रखा है जो कि हमने आपको पहले भी बताया है, अब उस डॉट पे से अपनी सुई को निकाल कर ये देखिए हम सिंपल जो बटन होल स्टिच होती है उससे पूरी पत्ती को जैसा जैसा आउटलाइन है वैसा वैसा इसे चलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पास करना चाहे तो आप पास भी कर सकते हैं, बट आई प्रिफर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब हम दूर दूर ही करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ये देखिए हमारी ये बटन होल स्टिच से ये ऐसे करके पत्ती पूरी कंप्लीट होती जाएगी। बहुत पास होने से क्या होता है ना, ये जो लाइंस है ना ये इतनी क्लियर विजिबल नहीं होती हैं। और बटन होल में अगर आपको ये विजिबल लाइंस ना मिले तो फिर इतना वो नहीं आता है मज़ा। अब आप इस तरफ आ जाएंगे। आप चाहें तो बहुत, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दूर से बनाना है, अगर आप चाहें तो पास से बना लीजिए, ये तो आपके ही ऊपर है। इजीएस्ट जो लीफ बनती है वो ये मेथड है। एकदम जल्दी देखिए कितनी फास्ट हमने बना लिया, एकदम मज़ेदार बनती है। ये देखिए बस यहाँ एंड कर दीजिए और फिर हम ये जो बनाएंगे ये हमारी स्टेम स्टिच और साटन स्टिच से पत्ती बनेगी। हमने फ्लावर के बीच में जैसे यहाँ पर बनाया है वैसे ही बटन होल स्टिच से एक गोला बना दिया है। इस तरह से हमारा ये मोटिव कंप्लीट हो गया है। ये देखिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।